तीन देखो उनकी यार, क्या लुक क्या गेटअप यार। मिसाइल शॉट, सुदीप का भी शानदार हो रहा है एक्शन, डमरू वाला वो जो मारने का। सब्सक्राइब कीजिए एम ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर, और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया, दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो आज हम जो रिएक्शन लेकर आए वो होने वाला है सायरा नरसिम्हा रेड्डी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है सेकंड। इसके टीजर पे हमने रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, और अब ट्रेलर आ चुका है। हमने भी पहले भी बताया था ये साउथ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मूवी है जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक साथ काम कर रही है, लाइक महाभारत समझ लो इसको, इस युग की महाभारत समझ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट इस पर काम कर रही है। आपको यकीन पता ही होगा कि डॉक्टर चिरंजीवी यानी कि मेगा स्टार चिरंजीवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से की मूवीज तेलुगु में ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाए, वो इस मूवी में लीड रोल में है। इनके साथ में है अमिताभ बच्चन जिनका एक कैमियो रोल है, इसके अलावा आप किच्छा सुदीप भी हैं इसमें, विजय सेतुपति भी है, और जगपति बाबू जिनके हमने अरविंदा समेता में देखा था और हमने टीजर में भी इनके बारे में बात की थी, इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के रवि किशन भी हैं। मतलब ले रहे क्या कहा जाए तो हर इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्टार, ऐसे नहीं कि एक्टर भी एक्ट्रेस भी हैं, अगर हम बात करें तो तमन्ना भाटिया एंड नयनतारा, लेडी सुपरस्टार कहा जाता है उन्हें, वो भी है, निहारिका भी है। तो ले देख के कहा जाए, दोनों गोल मिला के अगर बातों को इकट्ठा किया जाए तो ये बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़े बजट की मूवी है, और रामचरण इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने होम प्रोडक्शन में, और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है हिंदी के लिए, आई थिंक हो सकता है सबके लिए उन्हीं का म्यूजिक हो, लेकिन उम्मीद है कि म्यूजिक बड़ा जानदार होना चाहिए क्योंकि टीजर में म्यूजिक बहुत ही शानदार था और हमें बहुत पसंद आया था। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, फिर हम इस बारे में थोड़ी और बातें करेंगे, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं पहले ट्रेलर को। हियर वी गो। अमिताभ बच्चन के साथ एंट्री, क्या बात है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। सॉलिड वन यार। एक्शन। ये धरती हमारी, इसका अनाज हमारा। वो जगपति बाबू भी। हम तुझे लगान क्यों गए? स्वतंत्रता के लिए ये पहला युद्ध, इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। मैं तुम्हारी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूँ। क्या बात है, वीरता के लिए मशहूर तमिलनाडु से आया हूँ, साथ रख लीजिए, राम लक्ष्मण की तरह साथ रहेंगे, चाहे वो वीरता में हो या वीर गति में। लक्ष्मण नाम के आगे नरसिम्हा जोड़ दीजिए, बस आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, दीजिए वचन। Prepare yourself. Cut his body into four bloody pieces. बता दो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है? शूट। ओह तेरी। ओह। स्वतंत्रता के लिए प्रजा का आंदोलन, अपनी भारत भूमि पर खड़ा होकर मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तीन देखो उनकी यार, क्या लुक क्या गेटअप यार,
मिसाइल शॉट। सुदीप का भी शानदार होता है एक्शन, डमरू वाला वो जो मारने का था। सिमर रेड्डी, इफ यू हैव अ लास्ट विश टेल मी नाउ इन वन सेंटेंस। सॉलिड यार। कोई लास्ट विश हो तो बताओ। एंड वाला बहुत सही था, बहुत सॉलिड था यार एंड वाला। गेट आउट फ्रॉम माय मदरलैंड, मेरी मातृभूमि से निकल जाओ तुम, ये मेरी आखिरी विश। बट ये मूवी सबकी बैंड बजाने वाली है। बात करें इस मूवी के ट्रेलर की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी तारीफ करूं, डायरेक्टर की कि प्रोड्यूसर की या एक्टर्स की या स्क्रिप्ट राइटर की या सिनेमेटोग्राफी की, किसकी तारीफ करूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रेलर में आप किसी को छोड़ ही नहीं सकते, ना ही आप ये सोच बोल सकते हो कि डायरेक्टर ने क्या अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से एक्टिंग करवाई है, जिस तरह से गेटअप दिख रहा है, जिस तरह से सीन्स नजर आ रहे हैं, इतने बड़े सीन्स को इस तरह से शूट करना, जैसे कि वो एक वो अंग्रेजों को बाड़े में घिसते तो ड्रोन शॉट लेना, फिर नीचे आना, ये सिनेमेटोग्राफी देखो आप, डायरेक्शन देखो आप, डायलॉग्स देखो, हिंदी डायलॉग्स सुपर्ब है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जगतपति बाबू और किच्छा सुदीप, विजय सेतुपति, हिंदी में शूट हुई है, डब हुई है, हुई है। हिंदी मलयालम लगा नहीं कि हिंदी में डब है, रियल लग रहा है, हिंदी लग रहा है, हिंदी लग रहा है पूरा, हिंदी मलयालम एंड तमिल और कन्नड़ा, ये चार लैंग्वेज, क्योंकि चारों लैंग्वेज के जो सुपरस्टार्स हैं, लाइक कन्नड़ा इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्छा सुदीप है, तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय सेतुपति है, और मलयालम में भी काम कर चुके हैं, तो मलयालम के भी है, और तेलुगु तो है ही, वन एंड ओनली तेलुगु के सुपरस्टार चिरंजीवी सर, डॉक्टर चिरंजीवी, एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के किंग जिनका आ जाता है, बॉलीवुड का शहनशाह अमिताभ बच्चन, उनका कैमियो है। और ये मूवी इस लेवल पे बनाई है ना कि अगर कोई इसको गलती से भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कंपेयर करेगा ना तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि ठग ऑफ हिंदुस्तान से 1000% ये मूवी बेहतर है, उसका कुछ भी नहीं है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने ठग लिया था हमको, हमारे 350 रुपये ले लिए थे, लेकिन इस मूवी को अगर हम देखने जाते हैं तो मैं अभी से बोल सकता हूँ कि इस मूवी को देखने जाएंगे तो हम ठगे नहीं जाएंगे, हम निकल के आएंगे तो ये कहेंगे कि यस ये मूवी ने हमारा पैसा बचाया है, टाइम बचाया है। क्या बोलते हैं, ऐसा ही हो और ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सच में मैं मतलब नहीं यार, तेलुगु इंडस्ट्री से उम्मीद है, तेलुगु इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, कई बार इस तरह की चीजें भी हो जाती है जब मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे साहो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो ज्यादा ही तोड़ देती है इंसान को। लेकिन जिस तरह के इसमें सीन दिख रहे हैं, अगर यही सीन दिखा दिया ना तो ही काफी है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की, बस देखने चले जाओ अच्छी लगी तो हाँ भाई अच्छी है, ऐसा सोच लो कि यार। बाकी इसमें जो वो वाला मिसाइल के बाद में जो सुदीप वाला सीन था, पता नहीं क्या हथियार था उनका यार, वो शानदार लगा मुझे, भारी सा धट मारा और वो तीन चार को गिराया, बहुत शानदार था यार। इनका रियल की जो कहानी है, नरसिम्हा रेड्डी सर जो थे ये किसान के बेटे थे, इनकी जमीन पर अंग्रेज आए, इनसे लगान मांगने लगे, तो उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने विद्रोह किया, उनके करीब 44 गाँव के लोग उनके साथ हो गए थे, करीब 44 गाँव के लोग उनके साथ हो गए थे लड़ाई के लिए, और जाने कितनों को मार दिया था अंग्रेजों ने गोलीबारी में, और करीब 90 लोग पकड़े गए थे जिनमें से एक नरसिम्हा रेड्डी भी थे। इनको फांसी की सजा दी है, इनका सर कटा, आई डोंट नो, इनके सर को कई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग्स है, कोई बिल्डिंग या पैर पता नहीं क्या था, वहां पर करीब 3 साल लटका के रखा था। अच्छा। लोगों को बस ये दिखाने के लिए कोई अगला नरसिम्हा रेड्डी पैदा ना हो, क्योंकि आप खुद देख लो ट्रेन में बताया, उस टाइम पे लोगों को ऐसा था कि मैं हूँ नरसिम्हा रेड्डी, वो वाला सीन था, हमारे अंदर है नरसिम्हा रेड्डी, वो जो नाम था नरसिम्हा रेड्डी का वो बहुत बड़ा हो चुका था। और मुझे ये चीज अच्छी लगी एक और, कि तेलुगु इंडस्ट्री या साउथ इंडस्ट्री जो है ना वो हमारे बैकग्राउंड को दिखा रही है, हमारी जो हमने किया है, जो लोगों, जो बॉलीवुड होता है ना वो बिल्कुल जो सामने सामने बस वो दिखाता है, लेकिन बॉलीवुड से अलग हटके तेलुगु इंडस्ट्री ने वो दिखाया है जो शायद हमने पहले सुना भी नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं, ये तो है, इसके बारे में कभी सुना था कि ये इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की लड़ाई, जो सबसे पहली लड़ाई माना जाता है, क्योंकि 1946 या 47 में शुरू हुई थी, तो इसको तो पहली लड़ाई कही सकते हैं हम, क्योंकि हमारी 1846 में, सॉरी, क्योंकि हमारी नजर में तो पहली लड़ाई सन 1857 में शुरू की थी शायद, किसने, टीपू सुल्तान ने, राइट, लेकिन उससे पहले नरसिम्हा रेड्डी ने शुरू कर दी थी,
तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें केमियो वगैरह भी होना चाहिए शायद, किसका शायद ये रानी लक्ष्मीबाई के टाइम की मूवी है ना, 1857 और 46, तो आई थिंक रानी लक्ष्मीबाई का भी इसमें केमियो होना चाहिए। मुझे ऐसे ही किसी ने बताया था कि शायद इसमें किसका कैमियो है, किसका बताया था, अनुष्का शेट्टी का कैमियो है रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, ऐसा मुझे बताया था। अब सच है कि झूठ वो मुझे भी नहीं पता है, सिर्फ किसी ने बताया था मुझे, मैसेज करें फेसबुक पे, आप लोग भी मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा एम्ब्रोज इंडिया का पेज है फेसबुक पर, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, वहाँ पे जाके आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और साउथ इंडस्ट्री को इसलिए थम्स अप क्योंकि ये लोग हमारी कल्चर को दिखाते हैं, तो थैंक यू तो सपोर्ट हमारे इंडियन कल्चर को दिखाने के लिए। और ये मूवी हिट जाए इसकी हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमारा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।